वर्क पार्टनर जी, वर्क अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है फोर्स अप्लाई करने के बाद तो वर्क डन होगा। मैथमेटिकली सिंपल है, अगर आपने एफ फोर्स अप्लाई किया और एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन की वैल्यू इसमें मानी जाएगी। और वर्क डन की वैल्यू अगर आपने थीटा एंगल पर फोर्स को अप्लाई किया, जैसे इसमें तो एक्स सीधा ही है ये रहा, तो अगर आपने इसमें इस तरीके से अप्लाई किया तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ से देखेंगे तो अगर आपने इसको पुल किया तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करवा रही है, एफ साइन थीटा नहीं करवा रही, वो रिएक्शन के साथ मिलके वेट को बैलेंस कर रही है। और ऐसे ही इस केस में अगर मान लो आप इसको पुश कर रहे हो तो अगेन एफ कॉस थीटा इसकी डिस्प्लेसमेंट करवा रही है, एफ साइन थीटा नहीं करवा रही, पुश एंड पुल वाला एग्जाम्पल है सेम। तो इसके अंदर जो वर्क डन है वो एफ कॉस थीटा इंटू एस रहेगा दोनों केस में, चाहे पुश कर लो चाहे पुल। तो इसलिए इन जनरल हम क्या लिखते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये आपने किया हुआ है, जिसके अंदर आपने एक बॉडी ली, उसको ये माना कि मैं एच हाइट पर सीधा ले गया अगेंस्ट ग्रेविटी, या फिर मैं इसका रूट चेंज करके ले गया, दोनों केस में मुझे प्रूव करना है कि वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो ऐसे केस में अगर आप जो ये फर्स्ट केस लेते हो, अगर आप बॉडी को कैसे लेके जाते हो, सीधा एच हाइट ऊपर, तो ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो फोर्स कितनी अप्लाई करोगे, एम जी, हाइट कितनी है ऊपर की तरफ एच, और कॉस ऑफ जीरो, तो आंसर इज एम जी एच। लेकिन जब आप ए से लेके सी पर लेके जाओगे तो इसका वर्क डन जीरो माना जाएगा, क्योंकि फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल में होती है और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में है, दोनों में एंगल 90 है, तो इसका वर्क डन जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा। लेकिन इसका कितना होगा, एम जी इंटू सी डी, और इसका एम जी इंटू ई एफ, तो एम जी इंटू सी डी प्लस ई एफ, जो कि मिला के आपके पास क्या आएगा, एम जी इंटू एच। तो दोनों रास्ते से कर लो, वर्क डन सेम रहेगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये प्रूफ किया हुआ है। तीसरा केस है, अगर आप इंक्लाइन प्लेन से वर्क डन निकलवाते हो तो इंक्लाइन प्लेन में एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एन, और लेंथ जो है इंक्लाइन प्लेन की वो एल है, और हाइट कितनी है इसकी, एच है। तो वर्क डन इज एम जी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा जितनी फोर्स लगेगी एल डिस्टेंस तक, तो वर्क डन माना जाएगा। पर साइन थीटा इस ट्राइंगल में क्या होगा, एच डिवाइडेड बाई एल, तो एम जी इंटू एच डिवाइडेड बाई एल इंटू एल, तो आंसर क्या आएगा, एम जी एच। तो सेकेंड केस में वर्क डन एम जी एच आएगा। फिर आपने बोलना है अगर जिगजैग पाथ है तो हॉरिजॉन्टल वर्क डन इसमें जीरो हो जाएंगे, वर्टिकल वर्क डन एम जी एच के ही इक्वल होगा, तो इसलिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कंजर्व रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, कि इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन एंड पाथ पर डिपेंड नहीं करती, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसका एग्जाम्पल ग्रेविटी है, जिसका एग्जाम्पल स्प्रिंग की फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करोगे उतना ही ज्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा उस केस में, ठीक। एनर्जी को मैंने बताया हुआ है मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल में दो एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, बाकी सारी एनर्जीज नॉन मैकेनिकल हैं, हीट, साउंड, विंड। सबसे पहले एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होने के दो रीजन है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर सबको पता है कि एम जी अगर वेट को एच हाइट तक ऊपर डिस्प्लेस किया जाए तो वर्क डन एम जी एच, और यही उसकी एनर्जी होती है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेट मेथड में कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन से कर रहा है वो, एफ इंटू डी एक्स, जैसे वर्क डन करना है अगर आपको एच हाइट तक, स्मॉल वर्क डन निकालो एफ इंटू डी एक्स, फोर्स कितनी पुट करोगे एम जी, जीरो एच, जीरो से एच इसको इंटीग्रेट करो जीरो से एच, तो आंसर एम जी एच ही आएगा इसमें। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में होगी, स्प्रिंग में। ये आपका एक स्प्रिंग है, नीचे मास है, आपने फोर्स लगाई, आपने इसको डिस्प्लेस किया, और कितना डिस्प्लेस किया बाय एक्स डिस्प्लेस किया। तो सबसे पहले जो फोर्स होती है वो के एक्स होती है, रादर साइन नेगेटिव लगाओगे तो भी चलेगा, इस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर एफ इज इक्वल टू के एक्स है और माइनस लगाते हो तो वो स्प्रिंग की फोर्स है, प्लस लगाते हो तो आपकी डीफॉर्मिंग फोर्स है, तो आपने भी तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी है। तो आपने फोर्स कितनी लगाई, के एक्स फोर्स लगाई, जिससे कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डी एक्स हो गई, तो अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन एफ डी एक्स। लेकिन एफ की वैल्यू क्या होती है, के एक्स, के एक्स एफ डी एक्स में एफ की वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे जीरो से एक्स तक, मान लो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, के इज अ कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन से एक्स स्क्वायर बाय टू आएगा, जब पुट करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन
जो है स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगी। काइनेटिक एनर्जी हमने की हुई है, यहाँ से करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी हमने की हुई है, मैंने फोर्स एफ अप्लाई की तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो थी पहले, फिर वी हो गई, एस टोटल डिस्प्लेसमेंट है, रास्ते में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एस है, तो इसके अंदर स्मॉल वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू डी एस, एफ इंटू डी एस, पर एफ क्या होता है एम ए, तो एम ए को ऊपर पुट कर देंगे तो डी डब्ल्यू क्या जाएगा एम ए इंटू डी एस, बट ए क्या होता है डी वी बाय डी टी, तो डी डब्ल्यू क्या है एम इंटू ए इंटू डी एस, ए की जगह डी वी बाय डी टी, डी एस बाय डी टी को इकट्ठा करो, डी एस बाय डी टी क्या होता है वी, तो इस पूरे की जगह क्या आ गया वी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन एम इंटू वी इंटू डी वी, ठीक, और यहां लिमिट लगाएंगे जीरो से वी तक, तो मास बाहर आ जाएगा और वी की इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय टू, जो आंसर आएगा वर्क डन का हाफ एम वी स्क्वायर होगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये सबको मालूम है, और एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा पोटेंशियल का काइनेटिक का, ये हमने एग्जांपल किया हुआ है, जैसे एक पेंडुलम है, एक्सट्रीम पे जाके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मीन पे आके मिनिमम है, तो पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी मीन पे आके मैक्सिमम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर मिनिमम है, तो इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। मास एनर्जी इक्वलेंस एनर्जी एंड मास कन्वर्ट किया जा सकता है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी ऑफ द बॉडी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी अगेंस्ट ग्रेविटी, आप बॉडी को ड्रॉप करो ए से सी तक, रास्ते में एक इंटरमीडिएट स्टेट ले लो ए बी, ए बी सी, मैं ये प्रूव करूंगा, अगर इस बॉडी को एच हाइट से घेरा तो ए पर बी पर सी पर टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी सेम, तो एक्स और एच माइनस एक्स डिस्टेंस हो गया जैसे कि इसमें दिखाया गया है, तो इस केस में हम सिंपली एक काम करेंगे, इसमें इस केस में ए पॉइंट पर एट पॉइंट ए एनर्जी एम जी एच ही होगी, क्योंकि इसमें एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल होगी, काइनेटिक की वैल्यू यहां पर क्या होगी जीरो होगी, बी पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी एम जी इंटू एच माइनस एक्स होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर होगी, बॉडी यहां से चली थी यहां पर आ गई तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू इंटू जी इंटू कितना एच, इस वी स्क्वायर को यहां पुट करेंगे हाफ इंटू एम इंटू टू जी एच हो जाएगा, टू से टू कैंसल, तो इसमें वी स्क्वायर यहां पर वेलोसिटी हमने निकाली कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एच नहीं, यहां पर क्या आएगा एक्स आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू जी एक्स, तो ये काइनेटिक की वैल्यू यहां से सॉल्व करके आ जाएगी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया टू जी एक्स, टू से टू कैंसल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना एम जी एक्स, काइनेटिक आ गई इस पॉइंट पर, पोटेंशियल आ गई, इन दोनों को ऐड करो तो टोटल एनर्जी फिर से एक बार क्या आएगी एम जी एच सेम आएगी, ऐसी लोएस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक, पोटेंशियल तो होगी नहीं, तो लोएस्ट पॉइंट पर सी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी जीरो, काइनेटिक क्या हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, पर टोटल ऊपर से लेके नीचे तक वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू जी क्या हो जाएगा एच, इसको पुट करो सीधा आंसर आएगा एम जी एच, तो टोटल एनर्जी अगेन एम जी एच ही रहेगी, आप जैसे मर्जी निकाल लें, इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो मतलब हर पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, टोटल एम जी एच रहेगा। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, जिसके अंदर पोटेंशियल की एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो एंड सो ऑन, तो इसमें ग्लास का एग्जाम्पल है, जैसे एक बॉल, आई एम सॉरी, जो बॉल है वो ऐसे आ रही है, एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है, जब ए पॉइंट पर बॉल आएगी तो काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल जीरो है, सेम केस है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये हमेशा आती है, मैंने बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम, इट स्टेट्स दैट कि चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो अगर यू और वी इसकी वेलोसिटीज है इनिशियल एंड फाइनल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एस, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, आखिरी लाइन है डी डब्ल्यू एफ इंटू डी एस के इक्वल है, पर एफ क्या होता है एम ए, ए को क्या पुट कर सकते हैं डी वी बाई डी टी, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है सेम डी वी बाई डी टी, डी एस बाई डी टी को एक तरफ ये क्या बन गया वी, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई एम इंटू वी डी वी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल कितनी है v, u से v इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम को आप प्रूव कर सकते हो।
कोलिजन्स उसकी बात की थी हमने, कोलिजन्स के अंदर हमने क्या किया था कि टाइप जो कोलिजन्स हैं उसके अंदर दो बॉल्स आ रही हैं आपस में कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने के बाद ये फाइनल वेलोसिटी v1 v2 के साथ मूव करती हैं। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, फिर से कोलाइड कर रहा है, ठीक है इसलिए आगे कर दिया। टाइप्स ऑफ कोलिजन पे आते हैं सीधा, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, ये हमने डिस्कस किया था, इलास्टिक इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन के अंदर अगर h हाइट से बॉल गिरी तो एनर्जी लॉस तो होगा नहीं, तो ये वापस भी कितनी हाइट पर जाएगी, h पे ही जाएगी। और इन इलास्टिक के अंदर h1 हाइट से बॉल गिरी तो एनर्जी लॉस होगा, तो ये h1 पे नहीं जाएगी, h2 पे जाएगी, ठीक। और इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे कोई कोलिजन हो इलास्टिक या इन इलास्टिक, मोमेंटम हमेशा कंजर्वड है, इलास्टिक में तो मोमेंटम कंजर्वड है। मोमेंटम कंजर्व से मेरा मतलब यह है कि u1 u2 से बॉल जा रही थी, फाइनल वेलोसिटी v1 v2 थी, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2। पूरे सिस्टम का मोमेंटम आप देख सकते हो इसमें कांस्टेंट ऐसे करना है। फिर एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्वड है, काइनेटिक एनर्जी से मेरा मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का सम क्या रहेगा, इनमें सेम रहेगा, ये भी हमने किया हुआ है, ठीक। तो जैसे एक की एनर्जी पहले 20 है, दूसरे की 30 है, टोटल 50 है, ये हो सकता है कि फाइनल एनर्जी दोनों की चेंज हो जाए काइनेटिक, पर टोटल विल रिमेन सेम, पर ये इन इलास्टिक कोलिजन में नहीं होता। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का सेम एग्जांपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ, तो इसमें इलास्टिक कोलिजन का तो हो गया केस, इसको नहीं करना। इन इलास्टिक कोलिजन इसके अंदर मोमेंटम तो कॉन्स्टेंट रहता है सिस्टम का, पर काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं रहती इस सिस्टम की। तो मोमेंटम कांस्टेंट का तो सेम ही एग्जांपल रहेगा कि मोमेंटम कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, पर टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्वड है यूनिवर्स की, क्योंकि जब टक्कर होगी तो हीट एंड साउंड में जनरेट हो जाएगा, वो भी अगर इंक्लूड किया जाए फिर तो कांस्टेंट है, अगर ना किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती इसमें। तो ये आपको याद रखना है इसमें। तो इसके अंदर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट है, पर इसमें हीट एंड साउंड जनरेट हो जाता है, जिससे कि एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका टोटल सम तो कांस्टेंट रहेगा, अगर हीट एंड साउंड को साथ में मिलाएं, जैसे कोलिजन से पहले ये 20 की एनर्जी है, 30 की एनर्जी है, कोलिजन के बाद इन तीनों की एनर्जी मिला के तो 50 होगी, पर इन दोनों का सम जो होगा वो 50 नहीं होगा, उससे कम आ जाएगा, बिकॉज देयर इज सम वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगी इसमें, नहीं रहेगी इसमें, गलत किया हुआ था अभी। इसके अंदर मोमेंटम दोनों में कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी दोनों में कांस्टेंट रहेगी, पर काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, इलास्टिक में कांस्टेंट रहेगी, इन इलास्टिक में कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब मेन चीज पे आते हैं सीधा, रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। आपको याद होगा हमने फॉर्मूला किया था, इसके अंदर यह भी किया था फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, e क्या होता है 1, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है दो बॉडीज का चिपक जाना, तो e क्या रहेगा 0 और बाकी कोलिजन के लिए 0 और 1 के बीच में। इलास्टिक कोलिजन में 1 डायमेंशन में बॉल्स हैं m1 m2 u1 u2, फाइनल वेलोसिटी v1 v2 जैसे हम नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2, v1 वाली टर्म्स को इस तरफ, 2 वाली टर्म्स को इस तरफ, तो m1 कॉमन आ गया, m2 कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1, मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेशन नंबर 1। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर करके कैंसिल करो हाफ को, 1 वाली टर्म एक तरफ, 2 वाली टर्म एक तरफ, m1 m2 कॉमन निकाल लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर लें, तो यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से एक टर्म कैंसिल होगी, तो ये टर्म आएगी, तो यहां से इक्वेशन नंबर 3 आएगी। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तभी तो बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इनका रेशियो क्या होता है, 1 होगा, ठीक है। इक्वेशन आ गई, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ m1 हमने निकाला था, वो v1 v2 के बड़े बड़े फॉर्मूलाज, तो उसमें क्या किया था, इक्वेशन नंबर 3 से कुछ ऐसी इक्वेशन आई, v2 की वैल्यू एक तरफ और मोमेंटम कंजर्वेशन से एक इक्वेशन आई थी, इस v2 को उठा के इसमें पुट करना है, सॉल्व करना है v1 के लिए, कुछ नहीं करना है इसमें, v1 के लिए सॉल्व करोगे तो v1 का फॉर्मूला आएगा, कैलकुलेशन बुकलेट में लिखी हुई है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में आप v1 को सब्स्टिट्यूट करो मोमेंटम की इक्वेशन में, तो मोमेंटम की इक्वेशन में तो सॉल्व करके v2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये अपनी अपनी कैलकुलेशन है, इसमें लगेगा सिर्फ दो ही क्वेश्चन लगेंगी, या तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके v1 v2 के फॉर्मूलाज आएंगे, कुछ नया नहीं है इसमें। इसमें
V1 V2 के दो बड़े बड़े फॉर्मूलाज आएंगे, स्पेशल केस करने की आपको जरूरत है नहीं क्योंकि आते ही नहीं है, अगर एक बॉडी बड़ी है छोटी है कुछ नहीं करना आपने इसमें, ये वाला जरूरत नहीं है आपको इसमें। 2D के अंदर बस एक चीज याद रखनी है कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के अंदर, ये देखो बॉल आई, ये रेस्ट पे पड़ी हुई थी, फर्स्ट बॉल आई सम वेलोसिटी के साथ, तो ये टक्कर हो गई, एक इधर गई एक इधर गई, V2 के साथ गई, V1 के साथ गई, एंगल थीटा 2 थीटा 1, तो MV2 के दो कंपोनेंट्स हैं, MV2 cos थीटा 2, MV2 sin थीटा 2, ऐसे MV1 cos थीटा 1, MV1 sin थीटा 1। तो x एक्सिस का मोमेंटम कंजर्व अलग होगा, y का अलग होगा। x के अंदर m1 into u, x एक्सिस में वेलोसिटी थी इसकी, इसकी जीरो थी, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, होगा मोमेंटम कांस्टेंट। और y एक्सिस में ये मूव ही नहीं कर रही थी पहले, तो जीरो मोमेंटम, ये रेस्ट पे था तो जीरो मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम प्लस माइनस इसका मोमेंटम, क्यों, दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमने ऐसे किया था कि इसके अंदर मैंने ये बताया था कि सपोज करो, मैं फिर से वो लिख के दिखा देता हूँ, इसमें ये बताया था कि एक बॉल आ रही है m1 विद u1, सेकेंड बॉल रेस्ट पे है, मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, और फाइनल m1 v1 cos of theta 1 प्लस m2 v2 cos of theta 2। और ऐसी y एक्सिस की अगर बात करते हैं तो y एक्सिस में इनिशियली दोनों के दोनों ही मूव नहीं कर रहे थे, फाइनल m2 v2 sin of theta 2 प्लस माइनस m1 v1 sin of theta 1, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें एक और चीज कांस्टेंट होगी और वो क्या है, एनर्जी। सेकेंड बॉल की जीरो थी और एनर्जी स्केलर होती है तो इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका क्वेश्चन का एनसीईआरटी में आना का चांस मुश्किल है, नहीं आएगी, तो 1D तक के क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक। और लास्ट है रॉकेट प्रोपल्शन, एक्शन एंड रिएक्शन या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है, ये रॉकेट है और लेट अस सपोज पहले इसका इनिशियली मास m0 है, t0 है, और कुछ इंस्टेंट पर मास m हो गया और टाइम t पर, और dm मास जाता जा रहा है dt टाइम में, कम होता जा रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, dm मास गैस का खत्म हो रहा है और गैस की वेलोसिटी u नीचे की तरफ है, तो रॉकेट ऊपर उड़ रहा है, तो रॉकेट की चेंज इन वेलोसिटी dv है और रॉकेट का किसी भी इंस्टेंट पर मास m है, माइनस साइन ये शो कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे मास वाली टर्म को 1/m dm को, तो लॉग में आंसर आएगा, क्यों, और लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, इनिशियली रॉकेट की वेलोसिटी v0 है, किसी इंस्टेंट पर v हो गई और मास m0 से m हो गया, तो इसकी इंटीग्रेशन v0 से v माइनस u, या माइनस भी आएगा, माइनस u बाहर आ गया, 1/m की इंटीग्रेशन लॉग m0 से लेके m तक, तो लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a/b, तो लॉग ऑफ m0/m, इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, और अगर इनिशियली रॉकेट इनिशियली रेस्ट पे था v0 जीरो तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो रॉकेट प्रोपल्शन में एक तो आपने v निकालना होता है, दूसरा आपने थ्रस्ट या फोर्स निकालनी होती है। कंजर्वेशन मोमेंटम की क्वेश्चन एक बार फिर से लिखें, dt टाइम से दोनों को डिवाइड करें, dv/dt की वैल्यू जो आएगी वो एक्सेलेशन a होगी और मास इनटू एक्सेलेशन क्या होती है, फोर्स। तो ये आपके पास जो आएगा ये फोर्स ऑन रॉकेट आएगा।